सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कैवल्यपाद भी कहा जाता है, के 18वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्त्यस् तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। अर्थात चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती है, यानी चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है और उसे सदा ही ज्ञात रहती है कोई भी चीज। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे इंद्रियों के द्वारा जो भी संस्कार जाते हैं किसी भी वस्तु के, जो भी वृत्तियां जाती हैं किसी भी वस्तु के, तो वहां पर चित्त पर चिन्ह बन जाता है। आँखों से के माध्यम से जो गई, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, रसना के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से, या शरीर के भीतर जो दबाव बनता है उसके माध्यम से, या जो कंपन होता है शरीर के भीतर, या शरीर के भीतर जो दर्द उभरता है, या शरीर के भीतर जो जलन होती है, या शीतलता जो होती है, या शरीर के भीतर जो भारपन महसूस होता है, इन सभी चीज़ों का हम लोग के चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वृत्तियों के रूप में होता है। उसका आकार जिस तरह की चीज़ है उसका उसी हिसाब से आकार बन जाता है, इसी से हमें चित्त में आकार बन जाता है, इसी से हमें उस चीज़ का वैसा बोध होता है। इन इंद्रियों के जरिए हमारे मन पर जाता है प्रभाव, मन के जरिए, फिर मन का जो सूक्ष्म स्वरूप है वही चित्त है, उस चित्त को भी पतंजलि जी ने जड़ कहा है, तो उसे भी ज्ञात होता है। किस तरीके से? तो प्रतिबिंब के अर्थ में, वह जो आकार के रूप में धारण कर लेता है किसी चीज को, तो उसके जैसा ही वह हो जाता है, तो उसके आकारत्व को धारण कर लेता है, उसके कारण चित्त वैसा ही हो जाता है और उसको ज्ञात हो जाता है, पता चल जाता है। तो यदि किसी वस्तु का पता चल गया, वैसी स्थिति में भी जब उस वस्तु के साथ उसका संसर्ग हो रहा है, संपर्क हो रहा है, तब, या जब पता नहीं चल रहा है तो वहाँ अज्ञात है। तो ज्ञात और अज्ञात दोनों स्थितियों में सदा ज्ञाताश चित्त वृत्तस्। तो चित्त की जो वृत्तियां है वह उसे ज्ञात कराती है, परंतु वह जो है वह स्थूल चेतना है जड़, इसी से उसको बोध होता है। सर्वथा यदि जड़ हो चित्त, यानी बिल्कुल चेतन सत्ता से बाहर ही होती कोई बात, तो चित्त पर भी कुछ भी हमें कोई चीज ज्ञात नहीं हो पाता।
अब यह जो है किसी समय ज्ञात होता है, किसी समय अज्ञात होता है, इस कारण से भी इसको परिणामी कहते हैं, यानी इसमें परिणाम आते हैं। जब संपर्क नहीं हुआ तो परिणाम नहीं आए, लेकिन जो पुरुष है, इसका स्वामी, चित्त का स्वामी पुरुष, शुद्ध चेतन सत्ता है, और शुद्ध चेतन सत्ता है उसको हर समय ज्ञात होता है। यहाँ यही कहा जा रहा है, उसे सदैव ज्ञात रहता है, और सदैव ज्ञात रहने के कारण ही वह अपरिणामी कहा गया। परंतु सदैव ज्ञात उसे कैसे रहता है? क्या इसकी भी छवि वहाँ कुछ बनती है? अगर छवि बनेगी तो वहाँ फिर परिणामी हो गया वह। अगर इसी का कुछ आकार बनेगा तो फिर परिणामी हो गया। तो इस शास्त्रकार जो हैं, व्याख्याकार सब हैं, इन लोगों ने बताया है कि नहीं, वो उसमें प्रतिबिंब जैसा रहता है और चित्त में आकारत्व जैसा रहता है। परंतु प्रतिबिंब जैसा भी बनना, वह एक छवि बनना, तो वह भी वही हो गया, उसमें कोई बात नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा सूक्ष्म बात हुई, बस इतनी सी बात है। और आकारत्व तो जो है 3D हो गया, और वो जो छवि हो गया 2D हो गया, ऐसे ही समझ ले, तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आया। उसमें और जो सूक्ष्मता होती चली जाती है, और बिल्कुल ही वह तरंगों से भी सूक्ष्म हो जाती है, वह आध्यात्मिक तरंगों में चली जाती है, और अंततः वह शुद्ध चेतन तत्व में उसका प्रवेश होता है। यानी इस चित्त और पुरुष में अंतर यही हो गया कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इसका इम्प्रेशन नहीं बनता है, वह सदा ही सदा मौजूद है, चेतना सदैव मौजूद है और हर स्थान पर मौजूद है, हर चीज़ भी मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी कहीं पर भी कम नहीं है, इसलिए उसे हर चीज़ ज्ञात होती है। अब उसमें प्रक्रिया क्या है ज्ञात की, विधि क्या है, तो उसकी विधि हम लोग जड़ में जो विधि है या पदार्थों में जो गतियाँ हैं, विधियाँ हैं, इसके हिसाब से उसको नहीं हम लोग समझ सकते, क्योंकि वही हर तत्व है, इसलिए हर तत्व का बोध भी उसमें है, यानी तत्व में तत्व खुद ही ज्ञानमय होता है। यानी ज्ञान जो है उसका स्वरूप ही है, पुरुष का स्वरूप ही ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि पुरुष में ज्ञान है या पुरुष को ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है, पुरुष ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा है। जो इस चीज को नहीं समझते फिर वे भ्रमित हो जाते हैं। उपनिषद में सदैव बताया गया पुरुष जो है वो ज्ञान स्वरूप है, और जब ज्ञान स्वरूप है तो पुरुष को ज्ञान नहीं होगा या पुरुष में ज्ञान नहीं होगा, पुरुष स्वतः ही ज्ञान स्वरूप है, वह जैसा भी है ज्ञान स्वरूप ही है, यानी उसी को ज्ञान ही कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको ज्ञान नहीं होगा, यानी ज्ञान का उसमें कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान उससे भिन्न नहीं है। इम्प्रेशन जब भी कहीं पड़ता है तो इसका मतलब है कि वह चीज़ भिन्न होती है, तभी उसका इम्प्रेशन पड़ेगा, उसका कोई माध्यम होता है, तो यहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, पुरुष स्वयं माध्यम है, पुरुष स्वयं ज्ञान है, तो पुरुष को ज्ञान नहीं होना, पुरुष स्वयं ज्ञान है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। जहाँ पर जो द्वैत की बात आ जाती है तो उसमें फिर आदमी फंस जाता है और उसमें समझ नहीं पाता है कि हुआ क्या, पुरुष को ज्ञान हुआ, पुरुष अर्थात आत्म तत्व, तो आत्म तत्व को ज्ञान हुआ नहीं, आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप ही है, आत्म तत्व को ज्ञान नहीं होता है, या आत्मा में ज्ञान नहीं होता है, मैं हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि आत्मा अलग है और ज्ञान उसके भीतर कहीं है, इस तरीके से लोग समझने लगेंगे पदार्थ के अर्थ में। इसलिए आत्मा जो है उसमें ज्ञान नहीं है, और न ही आत्मा को ज्ञान होता है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, पुरुष स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह अपरिणामी है, यही यहाँ पर
तात्पर्य था। ओम।